Bu kete ya da kete bir batı bir ağır olacak. Ben bırakırmayım ama. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ یہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج ہم یہاں پہ کس لیے جمع ہو گئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی دو دن پہلے کچھ مہمان کیرلا سے لے کے انہوں نے ایک رائڈ سٹارٹ کی تھی مینی سٹیٹس کے بیچ میں سے After 60 days, ये यहाँ श्रीनगर पहुँच गए. तो हमने संडे मॉर्निंग में अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद हमने इनको नेहरू पार्क में देखा. तो हमने इनको बहुत बेबस देखा कि हम भी परेशान हो गए. तो ये एक्चुअली हमने जब इनको देखा तो हमें लगा कि ये प्रोफेशनल साइक्लिस्ट हैं नहीं, ना इनको कोई स्पॉन्सर था, ना कोई स्टेट वाइज गवर्नमेंट ने इनको कोई सपोर्ट किया था. तो हम चार पांच बंदे थे तब, हमारे साथ मुश्ताक साहब थे, रफ़ीक जरगर साहब थे, रफ़ीक वानी साहब थे और हमारे साथ सोफी दानी साहब थे. तो हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम इनको अपने साथ घर ले जाएंगे, इनको एकोमोडेट करेंगे और इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करेंगे. तो संडे मॉर्निंग को हमने इनको अपने साथ लाया और यहाँ पर एकोमोडेट कर दिया, इनके लिए दो दिन को शेल्टर अवेलेबल कर दिया हमने. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सेटिस्फाई हो गए. तो लास्ट में हमें ये पता चला कि पिछले 100 डेज ये सड़क पे सोए हैं, इनको कहीं पे कोई एकोमोडेशन नहीं मिली है. तो जब हमने इनको ये यहाँ पे एकोमोडेट कर दिया तो ये बहुत खुश हो गए. तो आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए बनाया कि हम इनको फैसिलिटेट करें, कुछ मोमेंटोज दें और कुछ सर्टिफिकेट्स दें. यहाँ पर हमारे कुछ बंदे हैं जिनको मैं दावत देना चाहता हूँ, वो थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस इस बारे में शेयर करें. यहाँ पे हमारे मुश्ताक साहब हैं, ये दो मिनट का वक्त लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन से वाबस्ता रखता हूँ. कुछ राइडर्स केरला से यहाँ पर आए थे, तीन राइडर्स 18, 19, 20 साल के, तीन छोटे छोटे राइडर्स यहाँ पर आए थे. एक्चुअल में हमने इनको इस सिलसिले में अपने पास लाया, बींग ए मुस्लिम, बींग ए स्पोर्ट्स पर्सन. ये छोटे, बहुत छोटे लड़के राइड करने के लिए निकले थे विदाउट स्पॉन्सर, और जो इनके अपने स्टेट है उन्होंने अभी उनको कोई सपोर्ट नहीं किया था. मैं खुद एक लॉन्ग साइकिलिस्ट राइडर हूँ, मैंने कम से कम 40 से 45 नेशनल खेल चुके हैं साइकिलिंग में. जबकि मैंने इनके ऊपर इक्विपमेंट्स देखे, सामान इनका देखा, हमसे रहा नहीं गया. जो भी मेरे साथ राइडर्स थे, मोस्ट सीनियर राइडर्स, मोहम्मद रफ़ीक जरगर साहब, मोहम्मद रफ़ीक वानी साहब, दानी सोफी साहब, उबैद शाह साहब, पिछले 30-35 सालों से हम साइकिलिंग से वाबस्ता हैं. तो हमने इनको देख के रोका, तो उसके बाद हमने इनके साथ डिसाइड बात की कहाँ से आए, क्या आए. तो इनका ये एक टारगेट था, हम केरला से कश्मीर आए, 60 डेज़ हमने राइड किया, 100 डेज़ टोटल हमें केरला से कश्मीर आने में लग गए. और 100 डेज़ में हमने कभी किसी जगह पर होटल में कोई नाइट स्टे नहीं किया. उस कारण से हम खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमने खुद स्पोर्ट्स खेला है, अभी खेलते भी हैं. उसी सिलसिले से हमने इनको अपने साथ अपने घर लाया और हमारे कुछ जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया और हम भी इनके साथ साथ चल रहे थे और अभी हैं भी इनके साथ. तो जो हमारे कुछ सीनियर राइडर्स थे लाइक रहीम ग्रीन्स ने इनके लिए और साइकिलिंग एसोसिएशन ने और जो भी हमारे यहाँ के कुछ वॉलंटियर्स ग्रुप है उन्होंने उनके लिए मोमेंटोस रखे. और जो इनका कल श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से केरला जाने का प्रोग्राम है वो भी हम इनको एकोमोडेट करते हैं. शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्लाइस, हमारे यहाँ पे एक पिज़्ज़ा शॉप है जिन्होंने इनको पिछले तीन दिन से पिज़्ज़ा ये प्रोवाइड किए. और हमारे पास यहाँ थे एक NGO है जिन्होंने भी हमें हेल्प किया और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अभी अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर हमारे साथ आ गए और जुड़ गए. मोहम्मद अशीर सबसे छोटे राइडर हैं जिन्होंने कंप्लीट किया केरला से कश्मीर. मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मोहम्मद अशीर जो कि इनमें से सबसे छोटे हैं और इन्होंने अच्छे तरीके से साइकिल राइड किया था. जदीर अली
मोस्ट वेलकम कश्मीर, यू आर कंप्लीटेड राइड फ्रॉम केरला टू कश्मीर। कहूँगा विष्णुदेव, वो आगे आके अपना मोमेंटो ले विद सर्टिफिकेट। विष्णुदेव कॉन्ग्रेचुलेशन जो कंप्लीटेड केरला टू कश्मीर। मैं जॉइंट सेक्रेटरी जॉइंट के साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से उबैद शाह साहब को, जिन्होंने बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया इन छोटे राइडर्स को, और हर टाइम पर इनको खाना प्रोवाइड किया, हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये इन जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करते हैं। और हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन उबैद साहब को अपनी तरफ से लॉट ऑफ टोकन छोटा मोमेंटो एक दे रहे हैं। थैंक यू। एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मुश्ताक साहब, थैंक यू। ये मेरा हक बनता है इन छोटे छोटे राइडर्स को सपोर्ट करना, जहाँ कहीं पर भी छोटे छोटे राइडर्स है या बड़े राइडर्स हैं, मेरा सपोर्ट इंशाल्लाह साथ रहे। और हमारे एक और को स्पॉन्सर थे स्लाइस द पिज़्ज़ा, वो आगे आके अपना मोमेंटो ले। देखिए, ये हमारे लिए खुशी की बात होती है कि ऐसे वक्त पर, ऐसे मुसीबत की घड़ी में हमारा सपोर्ट करे कोई स्पॉन्सर। मैं उनका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। मीडिया पार्टनर्स आज जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे हमें दिया, तो वो क्या कश्मीर बुलेटिन, हमने इनके लिए भी एक भी कपल वानी साहब, ये भी हमारे सीनियर साइकिलिस्ट हैं, इनके लिए भी हमने एक मोमेंटो रखा है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। रफीक अहमद वानी साहब आगे आएंगे अपना मोमेंटो, हर टाइम हमारे साथ रहते हमारे जो आज जो हमने आज चीफ गेस्ट जो हमारे थे अब्दुल हमीद साहब, जो कि ऑनर है रहीम मोटर्स, जिनकी बहुत सारी फर्म्स चल रही हैं, रहीम ग्रीन के नाम से बहुत सारे क्लब्स के वो स्पॉन्सर्स रह चुके हैं, इवन वो बहुत सारे जो भी इवेंट्स होते हैं उनके लिए स्पॉन्सर करते हैं। आज भी उन्होंने इनके लिए स्पॉन्सर कर दिया ये कुछ मोमेंटोस, और इवन उन्होंने कुछ कैश भी इनके लिए रखा है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रहीम ग्रीन्स का, जिन्होंने इन केरला के राइडर्स को सपोर्ट किया, और हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन और जितने भी हमारे साइकिलिस्ट हैं जे एंड के उनको सपोर्ट किया।